हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा कॉफ़ी शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाटा कॉफ़ी शेयर के ऊपर। टाटा कॉफ़ी के शेयर में हम लोगों को आज के सेशन में 6% का एक शानदार तेजी देखने को मिला। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। अगर हम लोग इस स्टॉक के डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे, तो क्लियरली हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा जाइंट कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और स्टॉक जो है 250 के लेवल के ऊपर भी क्लोज हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो स्लो एंड स्टडी स्टॉक में एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा था और आज फाइनली एक बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिला। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ग्रोथ भी हम लोगों को यहाँ पे मल्टी टाइम्स देखने को मिल रहा है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 2 to 3 times वॉल्यूम का हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। सबसे अगर हम लोग इंटरेस्टिंग बात करेंगे मंथली चार्ट के ऊपर, अगर आप बात करेंगे तो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टच करने वाला है। इस स्टॉक का जो है 254 rupees 40 paise का अपना ऑल टाइम हाई है और स्टॉक में हम लोगों को क्लियरली एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आज का अगर हाई हम लोग बात करेंगे तो 253 rupees 5 paise का है और उसके बाद स्टॉक में हम लोगों को मामूली ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो इस स्टॉक में वापस से और भी ज़्यादा हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे स्टॉक में थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। और वेट इसलिए करना चाहिए क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे से मोमेंटम करता हुआ आ रहा है और यहाँ पे एक बड़े कैंडल के साथ स्टॉक ने एक रेसिस्टेंस लेवल को हिट किया है। तो अगर यहाँ पे स्टॉक फ्लो में ऊपर की साइड निकल जाता है तो भी आपको वेट करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल चुका है। 6% का मोमेंटम देखने को मिल चुका है और नीचे से कंटिन्यूसली मोमेंटम हो रहा है, कहीं पे भी फॉल्ट नहीं कर रहा है। बस एक छोटा सा पुल बैक लिया, वापस से मोमेंटम, अगेन यहाँ पे पुल बैक लिया, वापस से मोमेंटम। अगर सेम यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक यहाँ पे फ्लो में इस लेवल को क्रॉस कर जाता है, वेट कीजिए रीटेस्ट का। रीटेस्ट के बाद आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जहाँ पे कि बेहतर तरीके से आप अपने स्टॉक में पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। एक छोटे एसएल के साथ जो है आप इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।